हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे 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 रामा, हरे राम रामा रामा, हरे 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 कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे 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 रामा, हरे राम रामा रामा, हरे 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 कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे 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 रामा, हरे राम रामा रामा, हरे 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 कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे 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 रामा, हरे राम रामा रामा, हरे 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 कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे 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 रामा, हरे रामा रामा रामा, हरे 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 कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे 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 रामा, हरे रामा रामा रामा, हरे 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 कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे 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 राम राम राम, हरे 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 कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे 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 राम राम राम, हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे 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 राम राम राम, हरे 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 कृष्णा 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 कृष्णा, हरे 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 राम राम राम, हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे 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 राम राम राम, हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे 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 राम राम राम, हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे 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 राम राम राम, हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे 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 राम राम राम, हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर श्री राधे, जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर श्री राधे, जय कृष्ण बले राम, जय कृष्ण बले राम, कृष्ण बले राम, जय कृष्ण बले राम, जय कृष्ण बले राम, जय कृष्ण बले राम, कृष्ण बले राम, जय कृष्ण बले राम, जय गौरनिताय, जय गौरनिताय, गौरनिताय, जय गौरनिताय, जय गौरनिताय, जय गौरनिताय, गौरनिताय, जय गौरनिताय, जय 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 प्रभुपाद, 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 जय श्रील प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, 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 जय श्रील प्रभुपाद, नितय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, नितय गौर हरि बोल, नितय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, नितय गौर हरि बोल, कृष्ण राधा श्याम सुंदर भगवान की जय, जगत कृष्ण कृपा की जय, हरे नाम संकीर्तन की जय, हरे कृष्ण प्रभु जी नाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम, हम सभी भक्त, हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग प्रभु जी। आज हम सब को बहुत अच्छा अवसर मिला है कि हम प्रभु जी के मुख से, अब प्रभु जी के श्रीमुख से श्रीमद् भागवतम की महिमा पर श्रवण करें, तो हम प्रभु जी का स्वागत करते हैं हम सभी हरे कृष्णा महामंत्र से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आप क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी को, क्षमा कीजिएगा मुझे ज्वाइन करने में ऑफिस की वजह से थोड़ी लेट हुई। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरुः श्रीयुत पदकमलां श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंगायते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कोई प्रभु जी या माता जी ये कंफर्म कर सकते हैं मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? प्रभु जी आपकी वॉइस क्लियर है। धन्यवाद प्रभु। तो भक्ति में श्री रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति के 64 अंगों का वर्णन किया है। उन 64 अंगों में से भी 5 प्रमुख अंग जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिनमें से किसी एक का भी आश्रय लिया जाए तो बहुत शीघ्र सिद्धि प्राप्त हो जाती है, हम वो 5 अंगों का चर्चा क्रम से कर रहे हैं। तो पहले जो प्रारंभिक हमारा सबसे पहले हमने प्रारंभ किया था साधु संग नाम कीर्तन, आज है भागवत श्रवण मथुरा वास श्री मूर्तिर श्रद्धा या सेवन। तो ये 5 भक्ति के प्रमुख अंग में से आज तीसरे अंग की यथाकिंचित समय के अनुसार भगवान की प्रेरणा से हम सब अपने शुद्धिकरण के लिए और भगवान की सेवा के लिए प्रयास करेंगे। तो देखिए भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं, देवी ही एष गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। तो कह रहे हैं देवी ही एष गुणमयी, जो मेरी माया है वो बहुत गुणमयी है और बंधन में डालने वाली है और इतनी आसानी से उससे कोई पार नहीं निकल सकता। संसार में बद्ध जीव जो माया के वश में है वो अपने प्रयास से माया से छूट नहीं सकते, माया मोहित करके रखती है। कृष्ण भूलिया जीव अनादि बहिर्मुख अतैव माया तारे दे संसार दुख। तो ये सिद्धांत है श्रुति शास्त्रों का कि जीव कृष्ण को भूल बैठा है और उनको भूलने की वजह से माया निरंतर हमें दुख दे रही है।
और जीव को भूले हुए भगवान का ज्ञान कैसे हो, कैसे हम वापस कृष्ण को कृष्ण से जो हमारा संबंध है उसको वापस स्थापित कर सके, कैसे हम वापस भगवान की सेवा में ले सके। हम भूल गए, आज हमारी दुर्दशा है, हम माया के वशीभूत हो गए, दुख पा रहे निरंतर, तो उपाय क्या है? भगवान खुद से स्मरण में आ जाएंगे क्या? तो कह रहे हैं, माया मुग्ध जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, माया मुग्धिर जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, माया से मोहित जीव को स्वयं कृष्ण का ज्ञान नहीं होगा। ये एक आश्चर्य की चीज है। तो जीवेर कृपा कैला व्यास कैला वेद पुराण, तो जीवों पे कृपा करने के लिए कृष्ण ने स्वयं वेद और पुराण की रचना करवाई कि हमें पुनः कृष्ण की स्मृति जागृत हो जाए। और ये सिद्धांत है कि बिना कृष्ण की स्मृति के, बिना कृष्ण की सेवा के, बिना हम अपनी वास्तविक स्थिति, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, मतलब जो हमारा जीव की जो नित्य स्थिति है, उसकी स्मृति बिना प्राप्त किए, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, ये स्थिति बिना प्राप्त किए, बिना भगवान की सेवा किए, हम माया से या संसार के दुखों से नहीं छूट सकते। तो हम इस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम वाले संस्कृति के चक्कर में पड़े रहेंगे और निरंतर हमेशा दुख पाते ही रहेंगे। तो इससे मुक्ति के लिए भगवान ने कृपा कर वेद पुराण की रचना की कि जीव जिससे भगवान के आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त कर भगवान से अपने संबंध को पुनः स्थापित करके पुनः भगवान की सेवा में लौट सके और उसके यहाँ पे आवागमन का दुख का समाप्त हो, चक्र जो चल रहा है वो समाप्त हो। तो अब सोचने की बात ये है कि पुनः हम अब वेद पुराण का निर्णय कर लिया गया, उसकी रचना कर ली गई, तो अब हम पुनः भगवान की सेवा में संलग्न किस प्रकार हो? तो कह रहे तर्को अप्रतिष्ठ, तर्क से प्रतिष्ठित नहीं किया जा सकता सिद्धांत। तर्को अप्रतिष्ठ श्रुतयो विभिन्ना, श्रुति भी विभिन्न विभिन्न बातें कह रही है, वेद पुराण में भी एक बात का ज्ञान सिर्फ नहीं दिया गया, अनेक अनेक बातों का ज्ञान दिया गया, कहीं धर्म का, कहीं कर्म का, कहीं उपासना का, कहीं योग का, भिन्न भिन्न बातें कही गई। श्रुतयो विभिन्ना नासाउ ऋषिर यस्य मतम न भिन्ना, और दो ऋषियों का कभी मत एक जैसा नहीं होता, मतलब जब तक उनके मतों में अंतर ना हो तब तक उनको ऋषि नहीं कहा जाता, यानी वो भी अलग अलग मत देंगे, हम कैसे समझे फिर? श्रुति भी अलग अलग बात कह रही है, तर्क से आपस में बातचीत से ये तत्व प्रतिष्ठित होगा नहीं, ऋषि भी अलग अलग मत देंगे तभी कोई सांख्य देगा, कोई वेदांत देगा, कोई मीमांसा देगा, तो अलग अलग मत देंगे। तो नासाओ ऋषिर यस्य मतम न भिन्ना, तो धर्म का तत्व हम कैसे समझे? धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायम, बहुत गुह्य है, फिर हमारा कल्याण कैसे होगा? महाभारत में प्रसिद्ध ये श्लोक आया है, कह रहे महाजनो ये न गतः स पंथा, महाजन जिस मार्ग पर चल के गए हैं वही मार्ग हमारा रास्ता होगा, उसको ही हमें समझ लेना है, हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि भिन्न भिन्न श्रुतियां भिन्न भिन्न मार्ग बता रही हैं, अलग अलग उपासना का, कर्म कांड का सबका ज्ञान दे दिया गया, हम किस चीज को पकड़े? अलग अलग ऋषि हैं, अलग अलग सिद्धांत दे के गए, क्या करें? धर्म का तत्व इतना गुह्य है, तो महाजनो ये नगता सह पंथा, महाजन जो मार्ग दे के गए हैं, प्रूव्ड मार्ग, जिस मार्ग पर चल कर भगवान की तरफ, भगवान से हजारों लोग भगवान तक पहुंच गए, पूता मदभाव आगता, वही मार्ग लेना है। तो महाजन कौन है? अब ये प्रश्न आया, महाजन कौन है? तो श्रीमद् भागवतम में ही
12 महाजनों का वर्णन आता है। कौन कौन से? स्वयंभूर, नारद, शंभु, कुमार कपिलो मनु, प्रहलादो, जनको, भीष्मो, बलिर वैया सकीर वयम। तो ये 12 महाजन हैं। कौन? स्वयंभूर, ब्रह्मा जी, स्वयंभू, नारद, नारद जी, शंभु, स्वयं शिव जी, कुमार यानी चतुष कुमार, कपिल देव, मनु, प्रहलादो, प्रहलाद जी, जनक जी, भीष्म जी, बलि महाराज, वैया सकीर अर्थात सुखदेव गोस्वामी और वयम। ये जो श्लोक कह रहे हैं कौन कह रहे हैं? यमराज जी, यमराज कह रहे हैं, धर्मराज कह रहे हैं। तो ये हम 11 और एक मैं 12, ये 12 महाजन कहे गए। इनके द्वारा दी प्रशस्त किया हुआ जो मार्ग है, वही मार्ग पर हम चलकर जाएंगे तो हमें निश्चित निश्चित हमारा कल्याण हो ही जाएगा। तो जीव के कल्याण के लिए, इस गुणमयी माया से रक्षा के लिए, कृष्ण से पुनः संबंधित स्थापित करने के लिए भगवान के कला कौशल के, विद्या के अवतरण, स्वयं व्यास जी जिनका 24 अवतारों में वर्णन है, वो श्रीमद् भागवतम की उन्होंने रचना की। कैसे की? ये भी बहुत अपने आप में इंटरेस्टिंग है सुनने के लिए। तो व्यासदेव जी बाकी उपनिषदों की, इतिहास की, पुराणों की रचना कर चुके थे और फिर भी एक दिन असंतुष्ट बैठे थे। क्यों असंतुष्ट बैठे थे? इतने सारे शास्त्रों की रचना करने के बाद भी। तो नारद जी वहां पर प्रकट हुए और नारद जी जो व्यासदेव जी के भी गुरु हैं, पथ प्रदर्शक हैं, उन्होंने पूछा कि क्या कारण है आपके इस प्रकार असंतुष्ट होने का। तो वहां पर व्यासदेव जी ने अपनी चिंता बताई कि मैं इतना शास्त्रों का अभी कर चुका हूं यहाँ पर सृजन जीवों के उद्धार के लिए, परंतु फिर भी अभी मुझे संतोष नहीं मिला। तो नारद जी ने उनको वहां पर ज्ञान दिया और बताया कि आपने भगवान का शुद्ध अमल यश गाने वाले उस पुराण की रचना अभी तक नहीं की जिसमें भगवान का यश गाया गया है, भगवान के भक्तों का यश गाया गया है, जिस पुराण में, जिस शास्त्र में कोई भी मिलावट नहीं है, जिसमें कोई कैतव नहीं है, परम शुद्ध जिसमें ज्ञान दिया गया है, जो सभी शास्त्रों का सार है, उसकी रचना आपके द्वारा अभी तक नहीं हुई, इसीलिए आपका मन असंतुष्ट है। तो वेद व्यास जी को फिर भगवान के द्वारा जो ब्रह्मा जी को चतुश्लोक की भागवत थी उसका ज्ञान मिला और उन्होंने उसका विस्तार किया और श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। तो ये भागवत महापुराण वास्तव में कौन है? शुरुआत में ही मैं बोल देता हूँ, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है समझने के लिए कि साक्षात भगवान ही श्रीमद् भागवत के रूप में उपस्थित है, भागवतम के रूप में, और कोई पृथक तत्व नहीं है, कृष्ण ही उपस्थित है। कृष्ण जब जल बनकर बहने लगते हैं तो गंगा जी कहलाते हैं, यही कृष्ण कंडेंस होकर एक पर्वत का फॉर्म ले लेते हैं तो श्री गिरिराज गोवर्धन कहलाते हैं। कृष्ण जब नाम के रूप में अवतरण होते हैं तो यहाँ पर भगवान नाम के रूप में आते हैं, और कृष्ण किसी शास्त्र के रूप में आते हैं अपने वांगमयी अवतार में, लिटररी इनकार्नेशन में, तो वो श्रीमद् भागवतम है। कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह कलौ नष्ट दृशामेश पुराणार्कोधनोदितः। कृष्ण जब अपने धाम चले गए, धर्म ज्ञान भी उनके साथ साथ चला गया, कलयुग का प्रादुर्भाव हो गया, तो कलयुग के लोगों को दिशा दिखाने के लिए, दृष्टि देने के लिए, कलयुग के लोगों को प्रकाश दिखाने के लिए कलौ नष्ट दृशामेश पुराणार्कोधनोदितः, ये पुराण का उदित हुआ, ये सूर्य से भी ज्यादा ब्रिलियंट चमकदार श्रीमद् भागवतम, स्वयं कृष्ण एक ज्योति स्वरूप से भागवत जी में समा गए और कृष्ण भागवत के रूप में प्रकट हो गए। तो अभी कृष्ण कहीं गए नहीं है। आचार्य बताते हैं यदि हमें कृष्ण का संग लेना है तो श्रीमद् भागवत के रूप में भगवान कृष्ण स्वयं विराजमान हो रहे हैं, तो हम भागवत जी की शरण ले लें, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करें, भागवत श्रवण करें, तो निश्चित निश्चित हम भगवान के ही संपर्क में हैं।
ये बिल्कुल प्रमाणित बात है कि श्रीमद् भागवतम का आश्रय लेने वाले पर किसी प्रकार की माया, किसी प्रकार के कलयुग का कोई प्रभाव नहीं है। और आगे हम सुनेंगे कितना महत्वपूर्ण है, और श्रील प्रभुपाद जी ने कितना एफर्ट्स कर हम सबको श्रीमद् भागवतम प्रदान की, कितना सुंदर सिस्टम बनाया। तो क्या है इस श्रीमद् भागवतम में? तो देखिए, बाकी शास्त्रों की भी रचना की, पुराणों की रचना की, इतने सारे ग्रंथों की रचना की वेद व्यास जी ने, क्या उसमें भगवत तत्व का, भगवान के परम ज्ञान का, भगवान की भक्ति का वर्णन नहीं था? था, परंतु अन्य अन्य तत्वों पर भी प्रकाश था, अन्य अन्य सिद्धांतों पर भी महत्व था। तो सभी सिद्धांतों पर, अन्य अन्य तत्वों पर अगर बराबर प्रकाश डालेंगे तो अल्प बुद्धि जीव कैसे समझ पाएगा कि क्या तत्व उसमें से हमको ग्रहण करना है? हम धर्म की भी बात करेंगे कि आप पुरुष हैं, आप स्त्री हैं, आप ऑफिसर हैं, आप एक सिपाही हैं, आपके अलग अलग यहाँ पर उपाधियां दी गई हैं, तो उन उपाधियों के अनुकूल आपको स्वधर्म का पालन करना है। यदि ऐसा कहेंगे तो हम धर्म के पालन में लगे रहेंगे, अच्छी बात है, धर्म का पालन भी करना चाहिए। धर्म के पालन से धीरे धीरे हम उपराम होकर शनै शनै वृद्धि को प्राप्त होंगे और भगवान में हम धीरे धीरे लगेंगे। पर कितनी फसावट है, एक शुद्ध ज्ञान की जीव भगवान का दास है, सभी उपाधियों से उसको मुक्त कर देना, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, और भगवान में लगा देना। ऋषि केन ऋषि केश सेवनम, भगवान की सेवा में उसको लगा देना और उसका शुद्ध उसको ज्ञान कराना कि जीव कौन है। तो ये कहा गया इस शास्त्र में, धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो निर्मत सराणाम सताम। कैसे धर्म का वर्णन हुआ है? कैतव शून्य धर्म का, जहां पर कुछ भी चीटिंग नहीं है, डायरेक्ट जो सत्य वस्तु है वो बता दी गई। किसकी वस्तु है ये, किनका पुराण है ये? निर्मत सराणाम सताम, जिनके हृदय में मात्सर्य समाप्त हो गया है, दूसरे के उत्कर्ष को देख के जिनको हृदय में ईर्ष्या नहीं होती, परम हंसों की संहिता है ये। धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो, जिसमें कैतव अब तनिक भी शेष नहीं है, कैतव का कोई वर्णन नहीं है, चीटिंग प्रोपेंसिटी है ही नहीं, शुद्ध जीव तत्व का ज्ञान और भगवान से उसका संबंध और भगवान की सेवा ही एकमात्र जीव के लिए कल्याण और जीव का वास्तविक उद्देश्य, ये बताया गया भागवत में। क्या है इस वर्णन इसमें? वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदय वरुद्य तेत्र कृतभि सुश्रुषुभिस्तक्षणात्। तो कह रहे हैं उस परम वस्तु का वर्णन इसमें हुआ है, श्री भगवान का वर्णन हुआ है। वेद्यम वस्तु शिवदम तापत्रयोन मूलनम, और इसका आश्रय लेने वाला तीनों तापों से मुक्त हो जाता है, आध्यात्मिक आदिदैविक आदि भौतिक पापों से, तापों से मुक्त हो जाता है। अब कह रहे श्रीमन महामुनि कृते, इसका अब ये पुराण व्यास मुनि द्वारा दे दिया गया, निर्दिष्ट कर दिया गया, अब किमवा परैरीश्वरः, अब किसी और साधन की, किसी और शास्त्र की, किसी और ग्रंथ साहित्य का आश्रय लेने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। सद्यो हृदय वरुद्य तेत्र कृतिभि सुश्रुषुभिः तत्क्षणात्, कह रहे हैं सद्यो हृदय वरुद्य तेत्र, तुरंत ही इसके सुनने की इच्छा करने वाले के हृदय में भगवान आकर विराजमान हो जाते हैं। इच्छा मात्र किसी ने की कि मैं श्रीमद् भागवतम की कथा सुनने जा रहा हूँ, भागवतम पढ़ने जा रहा हूँ, तो कृष्ण हृदय में विराजमान हो जाते हैं। आप बोलेंगे भगवान हर जगह है, भगवान परमात्मा रूप से है, यहाँ कृष्ण रूप से आके हृदय में बैठ जाते हैं, अपने त्रिभंग ललित वृंदावन बिहारी स्वरूप में आके बैठ जाते हैं। अब कहिए ऐसा शास्त्र, ऐसा ग्रंथ अभी कहाँ मिलेगा जहां भगवान सुनने की इच्छा मात्र से मिल जा रहे हैं। तो इस प्रकार इस श्रीमद् भागवतम की जो वस्तु का इसमें वर्णन हुआ है, वो शुद्ध भगवान के चरित्र, भगवान के अवतार और जीव का भगवान से संबंध
और जीव का एकमात्र परम जीव का जो फर्ज है, जीव का जो दायित्व है, भगवान की सेवा। और परम वस्तु क्या स्थापित की गई? भगवत प्रेम। संसार की धर्म अर्थ काम मोक्ष से परे, ये प्रारंभ ही होता है इन पुरुषार्थ चतुष्टय से, ऊपर पंचम पुरुषार्थ की बात से प्रारंभ ही होता है। वेद का ये पका हुआ फल है, वेद रूपी वृक्ष है। निगम्ब कल्प तरूर गलितम फलम शुक मुखाद मृत द्रव्य संयुतम। वेद रूपी कल्प वृक्ष का ये पका हुआ फल है श्रीमद भागवतम, और ये विश्व में विदित है कि जिस फल पर तोते की चोंच लगी रहती है उसको ज्यादा मीठा माना जाता है, क्योंकि तोते को इसकी परख बहुत अच्छी है कि इस वृक्ष के फलों में सबसे मीठा फल कौन सा है। तो वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है और मधुर हो गया है, कैसे? सुख मुखाद निगम कल्प तरूर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव्य संयुतम। सुखदेव गोस्वामी जी के मुख से निसृत होकर ये भगवान की लीला, भगवान के चरित्र, भक्तों के चरित्र सुखदेव गोस्वामी जी के मुख से अभी स्पर्श होकर और भी मीठे हो गए हैं, और रसिक जन इसका निरंतर यहाँ पर पान करते रहते हैं। मुहुरो रसिका भू विभाव का, निरंतर डूबे रहते हैं इस कथा सुधा में। तो ऐसी परम कल्याणमयी भगवान की कथा श्रीमद् भागवतम हम सबको प्राप्त है, ये अद्भुत बात है अपने आप में। देखिए श्रील गुरुदेव भगवान गुरु महाराज कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम ग्रंथ सुनने मात्र से जीव का पूरा कल्याण हो जाता है, उसके बाद कुछ करने योग्य उद्देश्य बचता नहीं, कुछ करने योग्य दायित्व बचता नहीं। तो व्यासदेव जी ने इसकी रचना की, सुखदेव गोस्वामी जी इसके वक्ता हैं, उन्होंने इसको बोलना प्रारंभ किया। अब प्रथम श्रोता इनके कौन है? हालांकि बहुत श्रोता हुए कल्पांतर से, अलग अलग समय पे अलग अलग काल में भागवत जी होती चली आ रही हैं, पर परीक्षित महाराज को श्रवण भक्ति का आचार्य माना गया। नवधा भक्ति की अगर बात की जाए, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, तो इसमें श्रवण भक्ति का जो सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है हमारे सामने वो है श्री परीक्षित महाराज। तो परीक्षित महाराज को श्राप मिला कि 7 दिन में तक्षक डसेगा, तो तट पर आ गए गंगा जी के, और सभी एकत्रित हुए वहां पर, बड़े बड़े मुनि ऋषि लोक परलोक के, और निश्चय हुआ कि सर्वथा म्रियमाण व्यक्ति को, जो मरने वाला है जिसके पास सिर्फ 7 दिन है, उसको क्या करना चाहिए। तो वहां उपस्थित हुए श्री सुखदेव गोस्वामी और श्रीमद् भागवतम की कथा सुनाई कि मरने वाले को वास्तव में भगवान के ये मंगलमय चरित्र श्रीमद् भागवतम सुनना चाहिए। 7 दिन थे श्री परीक्षित महाराज जी के पास, 7 दिन में भागवत सुनकर भगवान के धाम चले गए। तो मरने वाले को क्या करने चाहिए कि उत्तर में कहा गया कि भगवान की कथा सुननी चाहिए, लीला गानी चाहिए, श्रवंती गायंती, तो सुनना है, गाना है, ये मरने वाले के लिए निर्देश दिया गया। अब बताइए परीक्षित महाराज जी के पास 7 दिन का समय था, हमारे पास कितने दिन का है? कोई निश्चित निश्चित लिख के दे सकता है 7 दिन का है, 6 दिन का है? तो देखिए मरने वाले यहाँ पर सभी हैं, म्रियमाण सभी हैं, सबका शरीर छूटेगा, तो भागवत सबको सुननी चाहिए। और देखिए कितनी बड़ी बात है कि सुनने के बाद कोई जिम्मेदारी शेष नहीं रह जाती। बहुत बड़ी बात है कि सुनने के बाद बोलेंगे कुछ करना भी तो पड़ेगा, सुनने के बाद कुछ सेवा भी तो करनी पड़ेगी, या सिर्फ सुनते रहेंगे? तो गुरु महाराज कहते हैं कि नहीं, सिर्फ सुनने मात्र से पूरा कल्याण हो जाएगा। भागवत सुनने से ही अभीष्ट सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी, मनुष्य जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा, पूरा कल्याण मिल जाएगा सिर्फ भागवत सुनने से, भले हमने उसके बाद कुछ किया या नहीं किया। सुनना ही अपने आप में पूर्ण है, ये पूर्ण भक्ति का अंग है भागवत श्रवण करना। तभी ये 5 प्रमुख अंगों में वर्णन किया जा रहा है कि एक की भी निष्ठा पूर्वक किसी ने भागवत सुनने का भी निर्णय ले लिया तो भी वो निश्चित निश्चित भगवान की भक्ति प्राप्त कर लेगा, प्रेम प्राप्त कर ही लेगा। तो चैतन्य महाप्रभु के मत में आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम
रम्या काचिद उपासना व्रज वधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदम तत्रादरो न परह। तो चैतन्य मत मंजुषा में श्रीनाथ चक्रवर्ती जी के द्वारा ये श्लोक दिया गया। क्या कह रहे हैं? आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयः। आराध्य कौन है हमारे? भगवान ब्रजेश तनयः, वृंदावन के कृष्ण। और कौन आराध्य है? तद्धाम वृंदावनम, भगवान का धाम भी भगवान के समान ही हमारा आराध्य है। उपासना उनकी कैसी करनी है? रम्या काचिद उपासना व्रज वधु वर्गेण या कल्पिता। तो जैसी ब्रजांगनाओं ने, गोपियों ने भगवान की उपासना की, उस उपासना को श्रेष्ठ बना रहे, बता रहे। और क्या प्रमाण है हमारे लिए? श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम। तो देखिए, ये अमल शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इस पुराण में, इस भगवान के श्रीमद् भागवतम नामक गाथा में कहीं पर भी ये पूरी तरह से अमल है। इसमें कहीं पर भी जीव को भटकाने वाली कोई भी बात नहीं है। या देखिए, भटकाने का अर्थ ये है कि अलग अलग ग्रंथों में जीव के अधिकार से मार्ग बताए गए कि आप इस प्रकार से क्रमशः इस इन नियमों का पालन करके आप ऐसे उठकर कल्याण को प्राप्त हो सकते हैं। परंतु भागवतम में कह ही दिया गया कि ये परमहंसों की संहिता है और दे दिया गया परम कल्याणमय मार्ग। और प्रेमा पुमार्थो महान, पंचम पुरुषार्थ जो भगवान का प्रेम है उसको सिद्धांत के रूप में स्थापित किया गया। तो सभी शास्त्रों का ये सार है, सभी वेद पे वेद रूपी कल्प वृक्ष का ये फल है और भगवान का प्रेम प्रदान करने वाला है, भगवान में प्रीति प्रदान करने वाला है श्रवण मात्र से ही। कितना आराम है आराम से बैठकर भगवान की कथा सुनना, और सबसे बड़ा पुरुषार्थ भगवत प्रेम प्राप्त कर लेना। श्रीमद् भागवतम एकमात्र ऐसा साधन है जिसको सुनकर ये प्राप्त किया जा सकता है। देखिए, भागवत में ही श्लोक आता है, नष्ट प्रायेश अभद्रेशु। कोई कमेंट बॉक्स में यदि प्रश्न हो तो हम क्लास जब ओवर कर लेंगे तो उस समय हम प्रश्न पर भी 5 मिनट बात करेंगे। तो कहते हैं, नष्ट प्रायेश भद्रेशु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्ठिकी। तो देखिए, भक्ति के, प्रेम प्राप्ति के 9 स्टेप्स बताए गए, ठीक है। हम सब जानते हैं कहाँ से शुरू होता है। आदौ श्रद्धा, श्रद्धा से प्रारंभ होता है। ततः साधु संग, श्रद्धा होगी जीव में, साधु संग मिलेगा, फिर होगी भजन क्रिया, भजन करेगा, अनर्थ निवृत्ति, उसके अनर्थ निवृत्त होंगे, उसके बाद निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। तो ये 9 स्टेजेस हैं, 9 सीढ़ियां हैं प्रेम तक पहुंचने की। तो अब ये देखिए, कह रहे हैं, नष्ट प्रायेश अभद्रेशु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्ठिकी। तो डायरेक्ट जंप कौन से अंग पे हो गया? सिर्फ भागवत सुनने से। आदौ श्रद्धा, तथौ साधु संग, फिर भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। कितना कठिन है श्रद्धा होना, फिर यथा शुद्ध साधु संग मिलना, अच्छी भजन क्रिया होना, उसके बाद अनर्थ हमारे निवृत्त हो जाए। ये स्टेज तो प्रायः बहुत कठिन है। अनर्थ निवृत्ति हो जाए और निष्ठा भक्ति प्राप्त हो जाए। कह रहे हैं, भक्तिर भवति नैष्ठिकी, निष्ठा भक्ति प्राप्त हो जाएगी। कैसे? नित्यम भागवत सेवया, रोज रोज जो भागवत के जीव का सेवन करता है, भागवत सुनता है, भागवत पढ़ता है, उसको निष्ठा भक्ति प्राप्त हो जाएगी। केवल इतना करने मात्र से 5th स्टेज पे जंप हो जाएगा, और लगातार श्रीमद् भागवतम का आश्रय लिया रहे तो प्रेम भी प्राप्त हो जाएगा, ऐसा आचार्य कहते हैं। तो बताइए, इससे बढ़कर क्या साधन प्राप्त होगा हमको? कि जो सुनने मात्र से, कुछ नहीं किया, आप सोफा पे अपने बैठ गए, कान में हेडफोन लगा ली और भागवत थोड़ी देर सुन लिया, तो कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा ही होगा, जीव का कल्याण होगा ही होगा। कहाँ लिखा है ऐसा होगा ही होगा? तो व्यासदेव जी ही कह रहे हैं श्रीमद् भागवतम में कि इसकी जो रचना हुई, मैं आपके लिए श्लोक पढ़ता हूं। अनर्थोपशममं साक्षाद्
भगवत साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्या जनतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिताम। कह रही जितनी अनर्थ हैं, मिजरीज हैं, उन सब का नाश कर देगा। कैसे? साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे, भगवान की भक्ति प्रदान कर देगा। अब और क्या चाहिए बताइए? सारे अनर्थ नष्ट कर देगा, सारी मिजरीज, प्रभुपाद इसका ट्रांसलेट कर रहे हैं, विल फ्री फ्रॉम ऑल मटीरियल मिजरीज, तो मिजरीज से मुक्त कर देगा। और कैसे मुक्त कर देता है? भगवान के प्रति हृदय में भक्ति जागृत हो जाएगी। तो जीव को ये पता नहीं है कि भगवान की भक्ति नहीं होने की वजह से ही हम यहाँ दुखी हैं। अनंत प्रयास हम कर लें, बिना भगवान की भक्ति के नहीं हम प्रसन्न हो सकते। कितना भी हम प्रयास करें यहाँ पर सुखी होने का आर्टिफिशियली, पर ये जेल है, जेल में क्या हमारा सुख का प्रयास हमें मिलेगा? जैसे जल के बाहर मछली कभी प्रसन्न नहीं हो सकती, उसी प्रकार भगवान की भक्ति के बिना जीव कभी भी सुख को प्राप्त नहीं हो सकता, कभी भी शांति को प्राप्त नहीं हो सकता। ये बिल्कुल सिद्धांत है। ये भागवत क्या करते हैं? भक्ति प्रदान कर देते हैं। और इसकी इसीलिए सात्वत संहिता की रचना, और ये जीवों को पता नहीं, कितने लोगों को पता है कि भगवान की भक्ति से हमारा सभी अनर्थ नष्ट हो जाएंगे, हमारे सभी दुखों का शमन हो जाएगा, हम सदा रहने वाले शांति और सुख को प्राप्त कर लेंगे। भक्तों के अलावा, वैष्णवों के अलावा, इतने बड़े संसार में सुख की प्राप्ति के लिए कितने उद्यम कर रहे हैं लोग, कितना कुछ कर रहे हैं इंडिविजुअल लेवल पे और कलेक्टिव लेवल पे भी। दुनिया भर की वर्ल्ड यूएनओ बना रहे हैं, पीस ऑर्गेनाइजेशंस, पीस फाउंडेशन, पीस काउंसिल्स, फिर अलग अलग विभाग कि व्यक्ति की हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़े। जीव अपने बल पर भी कितना प्रयास कर रहा है कि नौकरी कर लूंगा, धन कमा लूंगा, विवाह कर लूंगा, शायद संतान आ जाएगी, किसी न किसी प्रकार से तो प्रसन्न हो जाऊंगा। पर नहीं पता हमें कि बिना भगवान की भक्ति प्राप्त किए कभी भी इसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। श्रील प्रभुपाद जी से पूछा जाता था किस प्रकार हम क्राइम को कम करें, लोगों के अंदर जो अपराध की मानसिकता है विश्व में, उसको कैसे कम किया जाए। तो प्रभुपाद जी बोलते कि देखिए, दो विभाग बनने चाहिए सरकार में। एक संकीर्तन विभाग, संकीर्तन डिपार्टमेंट, अलग अलग मिनिस्ट्रीज होती हैं, जैसे हमारे स्पॉन में भी संकीर्तन मिनिस्ट्री है, ऐसी एक मिनिस्ट्री होनी चाहिए, संकीर्तन विभाग, उसका एक प्रॉपर मंत्री होना चाहिए, अलग से बजट एलोकेशन होना चाहिए, और एक प्रसादम विभाग। ये दो डिपार्टमेंट अगर गवर्नमेंट में आ जाए, दो मिनिस्ट्रीज आ जाए, दोनों के मंत्री हो, दोनों का बजट हो, दोनों के प्लान हो इम्प्लीमेंट करने के, मास लेवल पे भगवान का हरिनाम संकीर्तन किया जाए और प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, तो भगवान का प्रसाद पाकर और हरिनाम संकीर्तन में पार्टिसिपेट कर जीव के हृदय से अपराध की प्रवृत्ति शांत होगी। उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। देखिए, डिवोटीज के पास कितना सुलझा हुआ मार्ग है। प्रभुपाद जी कहते हैं अगर ये मिनिस्ट्री दो आ जाए तो कभी भी अपराध कर फिर बोले जेल रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जेल का बजट बंद कीजिए, हजारों कैदियों को वहां पर खर्चा कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े मजबूत जेल प्रिजनर और इतने बड़े बड़े पुलिस वाले आप बना रहे हैं, वो रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ये दो डिपार्टमेंट में खर्चा करेंगे। बहुत मिनिमम खर्चा होगा वहां। बड़े बड़े कैदियों के लिए छोटी मोटी जेल रखिए, वो भी सुधर जाएंगे हरिनाम संकीर्तन से। तो कितनी बड़ी बात है, पर इसका ज्ञान नहीं है। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं, लोकस्य या जानतो अजानतो, लोक में नहीं पता कि भगवान की भक्ति से ही हम दुख से मुक्त होंगे। ये भक्ति को प्रदान कर देते हैं श्रीमद् भागवतम सुनने से ही। इस तत्व का वर्णन हुआ है, यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोकमोह भयापह। तो कह रहे हैं यस्याम वै, हाँ, किसी का प्रश्न आया सुनने मात्र से, तो भगवान का नाम सुनने मात्र से। देखिए, भगवान का नाम और भगवान की लीला में अंतर नहीं है। कृष्ण का नाम संकीर्तन में हम जैसे ही सुनेंगे पवित्र हो जाएंगे, कृष्ण की कथा लीला सुनेंगे पवित्र हो जाएंगे, ठीक है। तो यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापह। क्या होगा भागवत से? यस्याम वै श्रूयमाणायाम, जिसको सुनने से परम पुरुष कृष्ण में भक्ति हो जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी चीज है कि भगवान में हमारी भक्ति हो जाएगी। सिर्फ भागवत जी को सुनने से नहीं प्राप्त होती भक्ति। मुक्तिम ददाति करिच्चिता न भक्ति योगम, भगवान मुक्ति दे देते हैं, भक्ति नहीं देते। क्यों? पीछे पीछे बंद के चलना पड़ता है,
मुक्ति दे देते हैं, धन दे देते हैं, सामग्री देते हैं कि ले जाओ पीछा छोड़ो, कहीं भक्ति दे देंगे तो अहम भक्त पराधीनो ये स्वतंत्र एव द्विज बांध लेती है ना यशोदा मैया भक्ति में, उसमें पुनः प्रेम तस्तम शतावृति बंदे मोहश्चु सातंक नेत्रम दामोदरष्टकम गाने वाले हैं, बहुत जल्दी कार्तिक आने वाला है। भक्ति वाले लोग भगवान को ही बांध लेते हैं तो मुक्तिम ददाति करित चितन भक्ति योगम, पर वो भक्ति प्राप्त हो जाएगी कैसे, भागवत सुनने से। और क्या होगा, शोक मोह भयापह तीन चीजों का नाश हो जाएगा। अब आप अपने अंदर ये तीन चीजें देखिए, हम देखें सब लोग मिलकर कि हमारे अंदर ये तीन चीजें है क्या, इसका नाश हम करना चाहते हैं क्या। शोक, शोक शोक है हमारे अंदर, इस चीज को हम एनालाइज करें। शोक किसको कहते हैं, भूतकाल में हुई हुई घटनाओं को स्मरण कर कर हाय हाय करते रहना, अरे ऐसा हो गया मेरे साथ, वैसा हो गया, इसने ये बोल दिया, इसने वो बोल दिया, या मेरी वो परिस्थिति उस समय अच्छी नहीं थी, ये हो जाता तो मैं ऐसा कर लेता, या मेरे साथ पीछे ये हो, ये चीज ठीक नहीं हुई, इसको कहते हैं शोक। पुरानी बातों को याद कर कर दुख में पड़े रहना शोक, वर्तमान की चीज नहीं है, पुरानी बात 5 साल 10 साल 15 साल पुरानी बात लेकर शोक करते रहना, इसको कहते हैं शोक। और क्या है, मोह। मोह किसको कहते हैं, वर्तमान में जो परिस्थिति जैसी है उसको वैसी ना देखकर कुछ और तरीके से ही देखना, इल्यूजन। हाँ, तो मोह, जैसे जीव है कृष्ण का नित्य दास, उसका धर्म है भगवान की भक्ति, पर वो अपने आप को समझ रहा है कि मैं हूं संसार का दास, मैं हूं परिवार का दास, और मेरा दायित्व है परिवार, परिवार भी दायित्व है, परंतु परम दायित्व है भगवान की भक्ति। इस चीज की यथावत जानकारी न होना, अपनी परिस्थिति का ज्ञान न होना कि मैं कौन हूं, ये कहते हैं मोह। तो तीन चीजों का नाश करता है, शोक भूतकाल की याद की हुई परिस्थितियों को लेके दुखी होना, हाय हाय करना, वर्तमान में जैसे जो परिस्थिति है उसको सही न समझकर अपने स्वरूप को भूलकर किसी अन्य अर्थ के लिए ही कार्य करना, मोह। और भय, भय किसको कहते हैं, भूतकाल में होने वाले, क्षमा कीजिएगा, भविष्य काल में होने वाले किसी अनिष्ट की कल्पना से आज ही दुखी होना, कल को नौकरी चली गई तो, कल को बच्चे नहीं पढ़े तो, कल ये हो गया तो, इसको कहते हैं भविष्य की चिंता को लेके आज ही दिमाग में भय क्रिएट कर लेना। तो शोक मोह भय, इन तीनों का नाश हो जाता है किससे, श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने मात्र से। कितनी बड़ी चीज है, भगवान की भक्ति आ जाएगी हृदय में, शोक मोह भय का नाश हो जाएगा, जीव अपने अत्यंतिक कल्याण को प्राप्त कर लेगा, भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा, इससे बढ़ के बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। ये भागवत पुराण के लिए कहा गया अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम, ये ब्रह्म सूत्र व्यासदेव जी ने जो किया, बहुत गुह्य तत्व है, सूत्रों में परम तत्व को निर्देशित किया, तो उसका अर्थ है श्रीमद् भागवतम अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम। आगे कह रहे हैं भारतार्थ विनिर्णय, महाभारत का जो अर्थ है उसका निर्णय हुआ है किसमें, श्रीमद् भागवतम में। अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णय गायत्री भाष्य रूपोसव, और गायत्री का तो ये पूरा का पूरा भाष्य है, ये श्रीमद् भागवतम पूरा एक्सप्लेनेशन है गायत्री का, गायत्री भाष्य रूपोसव वेदार्थ परिब्रह्मित, और वेदों का सार सार इसमें पूरा संकलित है। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद वैष्णवा नाम प्रियम, वैष्णवों को अति प्रिय है ये पुराण, जिसको भगवान की कथाएं सुननी है, कितने अद्भुत अद्भुत भगवान की कथा और भगवान के भक्तों की कथा, पांडवों की कथा से प्रारंभ होकर आगे बढ़कर परीक्षित महाराज की स्थिति, फिर आगे बढ़ते चले गए मैत्रेय जी विदुर जी की कथाएं, आगे चलकर ध्रुव महाराज की कथा, इस प्रकार कितनी सुंदर सुंदर कथाएं पृथु महाराज की, अजामिल की, प्रहलाद महाराज की, अम्बरीश महाराज की, इस प्रकार अनंत कितने सुंदर चरित्रों से श्रीमद् भागवतम क्या वर्णन हुआ है इसमें, यस्मिन पारम हंस्यम एकम एकम अमलम ज्ञानम परम गीयते, किस ज्ञान का वर्णन हुआ है इसमें,
परम हंसों के योग्य अमल ज्ञान का इसमें वर्णन हुआ है और इसको ग्रहण करने से भगवान में भक्ति, हृदय में वैराग्य, भगवत प्रेम शनै शनै उपलब्ध हो जाता है श्रीमद् भागवतम सुनने से। पर सुनने की कुछ प्रक्रिया है कि भक्तों के मुख से सुनना चाहिए। यह भागवत सुनो वैष्णवेर स्थानी, भागवत कहाँ पढ़ना है? वैष्णवों के साथ बैठकर वैष्णवों के मुख से सुनना है। अवैष्णव के मुख से सुनने से भागवत की कथा वैसा असर नहीं करेगी। तो ये भागवत पढ़ने का तरीका बताया गया है। तो देखिए भागवत जी की महिमा अनंत है, सिर्फ श्रीमद् भागवतम में नहीं, अन्य अन्य पुराणों में, पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में, अलग अलग पुराणों में महत्व महात्म बताया गया है श्रीमद् भागवतम का, कि भागवत जी का आश्रय लेने वाले को किस प्रकार, सिर्फ ये तो पारलौकिक हुआ कि भगवत प्रेम प्राप्त हो सकता है, संसार में भी किसी भी समस्या से कोई जा रहा हो, भागवत जी का आश्रय लेने से, भागवत पढ़ने से उसकी संसार की भी सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। ये इसका उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य भगवत प्रेम की प्राप्ति है, परंतु किंचित कोई संसार में किसी समस्या से न उबर पा रहा हो तो भागवत बहुत सिद्ध ग्रंथ है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम का समाधान भागवत से हो जाता है। अब हम आते हैं स्कॉन में श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। देखिए यही चैतन्य महाप्रभु ने भागवतम पे सबसे ज्यादा जोर दिया, आचार्यों ने, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, श्रील जीव गोस्वामी पाद, सभी छठ गोस्वामियों ने, आगे चलकर हमारी परंपरा में सब श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और परम कृपा में कृष्ण कृपा मूर्ति हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने कितना जोर दिया श्रीमद् भागवतम पे। पहले तो देखिए अपनी रातों की नींद को उन्होंने भूलकर श्रीमद् भागवतम का हमें भक्ति वेदांत परपोर्ट्स दिए, तात्पर्य दिए। मात्र 2 घंटा, कभी रात में 1.5 घंटा सोते और दिन में कभी 1-1.5 घंटा मैक्सिमम, तो 2-3 घंटे की नींद कर श्रीमद् भागवतम के भक्ति वेदांत परपोर्ट्स हम लोग को दिए, रात रात भर जाग के, दिन भर भागवतम पे लेक्चर कर दिन भर फुल डे लोगों को अलग अलग जगह बताकर, सबसे लेट में बेड में जाना और रात में 1:30 बजे उनका सर्वेंट गुजरा तो देखे प्रभुपाद ऑलरेडी बैठे हुए हैं तात्पर्य, जल्दी जल्दी डिक्टेफोन में बोल रहे हैं। तो रात की नींद उन्होंने अपनी खोकर ये भक्ति वेदांत परपोर्ट्स दिए हमको, इतना बड़ा सिद्धांत बनाया कि हर इस्कॉन मंदिर में सबसे पहले हमारी आज सुबह जो है श्रीमद् भागवतम की क्लास से होती है। इतनी सुविधा दी हमको, भक्तों का संग दिया, हा? और इतना भागवतम के परपोर्ट्स डिवाइन, ये वास्तव में प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण ही मेरे द्वारा इन परपोर्ट्स को लिखवा रहे हैं, बुलवा रहे हैं। कवि श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि गुरु महाराज को मैंने समर्पण कर दिया है, उनकी प्रेरणा से ये हो रहा है, आचार्यों की प्रेरणा से हो रहा है। श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए प्रचार के लिए तो बोले वो कैसे, मैं नहीं जा रहा हूँ, बोले मैं श्रीमद् भागवतम जा रहे हैं, श्रीमद् भागवत ग्रंथ जा रहा है, भागवत पुराण भगवान जा रहे हैं अमेरिका और मैं उनके दास के रूप में जा रहा हूँ अमेरिका, भागवत के दास के रूप में। फर्स्ट कैंटो के 3 वॉल्यूम लेके श्री प्रभुपाद जी गए, फियरलेस होके गए, क्योंकि भागवतम लेके गए तो उनको पता था कि मेरी हार नहीं होनी है, भगवान जा रहे हैं तो कार्य तो होना ही था, उनके सेवक के रूप में मैं जा रहा हूं, उनको ये पता था कि श्रीमद् भागवतम मेरे साथ जा रही है तो डरने की जरूरत नहीं थी, उनको पता था कि जरूर जरूर पूरा कार्य पूरा होगा, प्रचार होगा, इस्कॉन की स्थापना होगी। तो इस प्रकार का देखिए कल्चर श्रील प्रभुपाद जी ने दिया है इस्कॉन में, भागवत श्रवण का सबसे ज्यादा महत्व दिया है श्रीमद् भागवतम पे, पूरा जीवन ही भागवत पढ़ाया है, पढ़ा है, तात्पर्य दिया है। और हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं इस ग्रेस उपन होगा प्रभु जी में, हमारे सभी गॉड ब्रदर्स के, हमारे गुरु महाराज ने भी पूरा जीवन भागवत को दिया है। तो देखिए हम भागवती भागवत का ही आश्रय लेते हैं और भागवती बोलते हैं, भागवत का ही चिंतन करते हैं और भागवतम का आस्वादन देखिए मुक्ति प्राप्त करने के लिए नहीं है, ये अपने आप में इतना रसपूर्ण है, इतना रस है इसमें कि श्रीमद् भागवतम को जैसे एक रस रूप फल को कहीं से भी टेस्ट किया जाए रस ही रस है, ऐसे श्रीमद् भागवतम में रस ही रस है। हम थोड़ा सा पढ़ते पढ़ते अभ्यास करें, सुनते सुनते अभ्यास करें तो बहुत आनंद हमें श्रीमद् भागवतम से प्राप्त हो जाता है, फल जो इसका होगा वो तो होगा ही होगा, ये अभी वर्तमान में ही इसमें इतना आनंद है। तो इस प्रकार जो है हम सबको श्रील प्रभुपाद जी की कृपा के माध्यम से, वैष्णव आचार्यों की कृपा के माध्यम से भागवतम प्राप्त है।
और इससे बढ़कर कुछ भी श्रीमद् भागवतम से बढ़कर कोई शास्त्र कोई ग्रंथ नहीं है, ऐसा बारंबार कहा गया है। श्रीमद् भागवतम में ही आता है, एक श्लोक और कहकर हम रुकेंगे। निम्नगा नाम जथा गंगा, नदियों में जैसे गंगा, देवा नाम अच्युतो यथा, पूजनीय देवों में पूजनीय लोगों में जैसे श्री भगवान कृष्ण, वैष्णवा नाम यथा शंभु, वैष्णवों में जैसे भगवान शिव, पुराणा नाम इदम तथा, पुराणों में वैसे श्रीमद् भागवतम, नदियों में गंगा, पूजनीय देवों में श्री कृष्ण, वैष्णवों में शिवजी और पुराणों में श्रीमद् भागवतम। तो ऐसे श्रीमद् भागवतम हमें प्राप्त है, हमें हर्षित हो जाना चाहिए कि अभी भागवत का आश्रय लेके, भागवतम का आश्रय लेके प्रेमा पुमार्थो महान, भगवान का प्रेम प्राप्त किया जा सकता है, इस जीवन को सफल बनाया जा सकता है। तो हम लोग बहुत सिंसियरिटी के साथ, बहुत समर्पण के साथ श्रीमद् भागवतम का आश्रय लें, पढ़ें, सुने, इसका प्रचार प्रसार करें, यही हमारे जीवन की पूर्णता है। तो यहीं पर रुकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज इस ग्रेस रूपन होगा, प्रभु जी का दर्शन नहीं हुआ, किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो वो प्रश्न का उत्तर लेके फिर हम रुक सकते हैं। यस सुनील कुमार प्रभु जी, आपका कोई प्रश्न है तो बोल सकते हैं अनम्यूट करके। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। आपकी मधुर वाणी का दर्शन पा करके बहुत धन्य हो गया। आपकी सुरीली आवाज, इतने सुंदर से अच्छी तरह से भागवतम की महिमा आपने बताया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरा एक डाउट प्रभु, मतलब प्रश्न तो नहीं कर सकते आपसे, बस एक शंका, अपनी जो शंका है वो मिटाना चाहता हूँ। हाँ बोलिए ना प्रभु। अभी आपने बोला प्रभु जी नित्यम भागवत सेवया, और अभी आप बोल रहे हैं भागवतम सुनने मात्र से हमारा कल्याण हो जाता है, जी। इन दोनों को हम कैसे समझें डिफरेंट? भागवतम से भी एक नित्यम भागवत सेवया हमें डेली पढ़ना है, और जी हाँ आप एक जगह बोल रहे हैं कि सुनने से ही मतलब हमारा, तो इसको थोड़ा सा क्लियर करें वो। तो देखिए, श्रीमद् भागवतम परीक्षित महाराज के पास 7 दिन थे, तो 7ों दिन उन्होंने श्रवण किया। तो अब परीक्षित महाराज जी ने क्या किया, नित्यम इसका सेवन किया या नहीं किया, क्या कहेंगे? 7 दिन का समय उनको पता चला है और 7ों दिन उन्होंने श्रवण किया, तो उनके जीवन में तो जो बचा समय था जब उनको पता चला उन्होंने नित्य ही इसका सेवन किया, हमारे जीवन की बची हुई अवधि हमको पता नहीं है। तो श्रीमद् भागवतम ग्रंथ का श्रील प्रभुपाद जी ने देखिए विशेष करके ये श्लोक भागवत में ही आता है, नित्यम भागवत सेवया, कि नित्य भागवत जी का सेवन करने से भगवान में निष्ठा भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है। तो जीवन का कल्याण अगर हमें करना है, हमने भागवत एक बार अच्छे से सुन ली, उसका चिंतन मनन करते रहे जीवन भर, तो कल्याण हो ही जाएगा। कल्याण में कोई शंका नहीं है। कल्याण शास्त्रों में कहा गया कि हमारा पुनर्जन्म न हो, हम आवागमन के चक्र से मुक्त हो गए तो हो गया कल्याण। पर हम भागवतम का आश्रय भगवान की भक्ति प्राप्ति के लिए लेते हैं, भगवान की प्रेम प्राप्ति के लिए लेते हैं, और भागवत हमारे लिए ऐसा साधन नहीं है जिसको हमने पढ़कर सुनकर किनारे रख दिया। हम नित्य श्रीमद् भागवत का आश्रय लेकर इसका आस्वादन करते हैं, जैसे नित्य नाम का जप करते हैं, कहते हैं एक नाम से भी भगवान सारे पाप हमारे कट जाते हैं, परंतु हम निरंतर नाम क्यों लेते हैं? कि भगवत प्रेम की प्राप्ति हो, इसी प्रकार भगवान से हम प्रेम कर सके, भागवत सुनते वक्त हमारे हृदय में तीव्र भक्ति की लहरें उठे, कि कैसे ध्रुव जी महाराज भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, कैसे प्रहलाद जी भगवान की प्रार्थनाएं कर रहे हैं सामने लेके, अदिति माता के लिए अभी मैं प्रसंग पढ़ रहा था कि भगवान सामने उपस्थित हो गए हैं और अदिति माता कैसे अश्रु पूर्णित होकर भगवान को देख रही है। तो ये सुनकर नित्य आस्वादन करने के लिए श्रीमद् भागवतम है, जिससे हमारी भगवान में भक्ति निष्ठा पूर्ण हो जाए। वरना ये सत्य है कि श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने से कल्याण हो ही जाएगा। अब देखिए इसमें एक बात और है, भागवत के महात्म में कथा आती है, गोकर्ण जी का उपाख्यान आता है। तो गोकर्ण जी ने कथा कही मुख्य श्रोता धुंधुकारी जी को बना के, जो उनके ही भाई थे, जो बैठे थे एक वृक्ष की शाखा में, डाल में, बंबू में, बैम्बू स्टिक होती है ना उसमें। तो जैसा गोकर्ण जी ने कथा कही
और एक विमान आया और धुंधकारी मुक्त होकर सबके सामने चतुर्भुज होकर भगवत धाम चले गए। तो प्रश्न किया सबने कि बाकी सबने भी तो सुनी, पूरे गांव ने सुनी, तो केवल धुंधकारी क्यों गया? तो धुंधकारी इसलिए गए, गोकर्ण जी ने बताया कि धुंधकारी जी कथा सुनकर दिन भर अगली कथा होने तक उसका मनन करते रहते, चिंतन करते लगते और बाकी लोग संसार में पुनः प्रवेश कर जाते। तो यदि हम एक बार भागवत कथा सुनकर जीवन भर उसका मनन चिंतन करते चले जाएं तो निश्चित निश्चित हम भगवत धाम चले जाएंगे, परंतु संसार प्रवेश कर जाएगा कान में जरूर, क्योंकि इसका ऐसा स्वभाव है हमारे इर्द गिर्द। इसीलिए नित्यम भागवत सेवाया। फिर दोबारा क्या हुआ? दोबारा सबने बहुत अटेंशन के साथ भागवत सुनी और उन्होंने भी क्या किया, वैसा ही चिंतन मनन करते रहे। तो जितने गांव में लोग थे उतने विमान आए और सबके सब भगवत धाम गए, ऐसी कथा आती है ना। तो नित्यम भागवत सेवा का अर्थ ये है कि भागवत का चिंतन निरंतर बना रहे, ये इसका कहने का तात्पर्य है। अति उत्तम, अति उत्तम प्रभु, उम्मीद है इससे आप संतुष्ट हैं। और किसी का कोई प्रश्न हो तो हम और कोई प्रश्न ले सकते हैं। जी प्रभु जी, यहाँ पे चैट बॉक्स में भी कुछ प्रश्न है। एक माता जी है, वो पूछ रही हैं। जी यस माता जी, आप बता दीजिए क्या प्रश्न है। वो पूछ रही हैं कि अगर कोई भक्त भागवतम थोड़ा सा पढ़ रहा हो और उसका शरीर छूट जाएगा तो क्या उसका उद्धार होगा? हाँ, अच्छा प्रश्न है। देखिए, थोड़ा किसी ने भक्ति की है, थोड़ा भी भागवत का दो चार पांच श्लोक भी पढ़े हैं, तो उसका किए हुए भक्ति का कभी भी नाश नहीं होता। नेहा विक्रमो नाशोस्थि प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ी सी भी भक्ति का किसी ने अंग लिया है, थोड़ी देर भी भागवत पढ़ी है, तो क्या होगा, उनको पुनः अवसर मिलेगा, पुनः अपनी भक्ति पूर्ण करने का अवसर मिलेगा। श्रीमताम सुचिनाम गेहे, ऐसी जगह पर उनका जन्म होगा जहां पर उनको पुनः बचपन से ही, अभी तो बड़े में भागवत पढ़ा था, अभी बचपन से ही भागवत के कान में श्लोक पढ़ना शुरू हो जाएंगे और वो फिर से भागवतम पढ़ने लगेंगे। तो यही तो हमें चाहिए। कौन मुक्त होके कहाँ जाना चाहता है? हम तो चाहते हैं हम बार बार आए और भागवतम पढ़ें, पढ़ाएं, सुने। यही तो जीवन है, भगवान की लीला सुनना, कथा लेके आनंद लेना। मुक्ति के लिए कौन प्रयास करता है? वृंदावन की भक्ति करने वालों को अलग मुक्ति नहीं चाहिए, उनको तो यही चाहिए बार बार, है ना। तो जिसने थोड़ा भी आस्वादन किया है श्रीमद् भागवतम का और शरीर छूट गया, तो पुनः उनको अपनी भक्ति पूरी करने का जरूर अवसर मिलेगा। यस, और कौन सा प्रश्न है? जी प्रभु जी, एक और प्रश्न एक प्रभु जी पूछ रहे हैं कि यू मेंशनड ओनली श्रवणम विल बी इनफ टू गो बैक टू लॉर्ड कृष्णा, बट विल इट नॉट बी इनकम्प्लीट विदाउट कीर्तनम? या, सो दिस इज अ नाइस क्वेश्चन। मेनी टाइम्स डिवोटीज हैव डाउट्स, बहुत बार डिवोटी के मन में ये प्रश्न आता है कि क्या सिर्फ भगवान की कथा सुनकर भगवत धाम जा सकते हैं उसका कीर्तन बिना किए? तो हाँ, ये श्रवण भक्ति अपने आप में पूर्ण है। यदि हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो गया, भगवान की कथा सुनकर भगवान हमें अपने लगने लगे, भगवान हमें प्रिय लगने लगे, तो निश्चित निश्चित श्रवण मात्र से ही हम भगवत धाम चले जाएंगे। परीक्षित महाराज गए, खटवांग महाराज के पास कितना समय बचा था? 2 घड़ी, 1 मुहूर्त, 48 मिनट। भक्तों के बीच में उन्होंने बोला मुझे गिराइए, भक्तों के बीच में स्वर्ग से गिरे, 48 मिनट में वापस भगवत धाम चले गए। तो भगवान की कथा श्रवण करना अपने आप में पूर्ण अंग है, इसीलिए इसको 5 अंगों में दिया गया ना। देखिए, साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण। तो भागवत श्रवण अपने आप में पूर्ण है। इसके साथ साथ आप, और ऐसा कौन होगा जो भागवत सुनने के बाद कीर्तन नहीं करेगा, बोलिए। आप भागवत सुनेंगे तो अपने आप गाने लगेंगे। हिंदी पिक्चरों में बोलते हैं जो प्यार करेगा दिल वो गाना गाएगा, तो जो सुनेगा वो गाएगा भी, वो कीर्तन तो अपने आप उसके मुख से निकलेगा ही निकलेगा, हृदय से निकलेगा, वो नहीं करेगा तो। पर श्रवण अपने आप में पूर्ण है, ऐसा मैंने अपने गुरु महाराज के मुख से सुना है। तो मैं आपको वही बात पूर्ण विश्वास से कह रहा हूँ कि भागवत सुनकर प्रेम प्राप्ति हो, भगवत धाम उसी से जाया जा सकता है, यदि उसने कीर्तन बहुत विशाल अंग में नहीं किया तो भी, है ना। यस, कोई एक अंतिम प्रश्न लेके फिर रुक सकते हैं। अजीत प्रभु जी, अजीत प्रभु जी पूछ रहे हैं, परीक्षित महाराज श्रवण में श्रेष्ठ है, बाकी 8 साधन में कौन कौन श्रेष्ठ है? हाँ, तो देखिए, श्रवणम, श्रवण के हैं आचार्य परीक्षित महाराज, कीर्तनम, कीर्तन के हैं सुखदेव गोस्वामी,
क्योंकि वो कीर्तन, देखिए भागवत जैसा वो सुना रहे हैं, जैसा कीर्तन कर रहे हैं कोई करने वाला नहीं है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, स्मरण के आचार्य है प्रहलाद महाराज, जो निरंतर स्मरण जिनका बना रहा, कभी स्मरण उनका टूटा ही नहीं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, पाद सेवन में जो सबसे अग्रसर भक्त हैं वो है हमारी माता लक्ष्मी देवी, जो भगवान के चरण संवाहनी करती हैं, कभी भी चरण से हटकर नहीं जाती। पाद सेवनम अर्चनम, अर्चना भक्ति के जो आचार्य हैं वो है पृथु महाराज, उनका उदाहरण आता है, उन्होंने अर्चना भगवान की बहुत ये की। अर्चनम वंदनम, वंदना के आचार्य हैं अक्रूर जी, अक्रूर जी ने भागवत में बहुत सुंदर वंदना की है भगवान की। वंदनम सख्यम, सख्य के आचार्य हैं अर्जुन। भक्तो सीमे सखा चेती, आप मेरे भक्त हो सखा हो इसीलिए मैं आपको ये ज्ञान दे रहा हूं। सख्यम अर्चनम वंदनम सख्यम दास्यम, दास्य भक्ति के ऑल टाइम फेवरेट आचार्य हैं श्रील हनुमान जी महाराज, उनसे बढ़कर दास धर्म का पालन नहीं कोई कर सकता। और आत्मनिवेदनम अंतिम है इनके आचार्य हुए बलि महाराज, जिन्होंने अपना सब कुछ दे दिया, अंतिम में खुद के सर पर भी चरण रखने को भगवान को कहकर सर्वस्व अपना न्यौछावर कर दिया, आत्मनिवेदन। तो ये 9 आचार्य हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आप लोगों ने ध्यान पूर्वक सुना और बहुत अच्छे प्रश्न पूछे और मुझे अवसर दिया भगवान के बारे में इतनी देर बोलने का, भगवान की श्रीमद् भागवतम की महिमा को अंश में गाने का। आप सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम, रूपानुग प्रभु को भी मेरी तरफ से दंडवत प्रणाम करिएगा। अब मुझे लॉग आउट करने की आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत ही सुंदर सेशन था, बहुत ही सुंदर तरीके से प्रभु जी करते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम लोग सभी मिलकर प्रभु जी को स्वागत करते हैं महामंत्र से। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, वंचा कल्पत्रभ्यः कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णवेंद्र की जय, जगद गुरु संपन्न रूपाद की जय, जगदेव जयंत जय गोपी मन जय।